हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता अकैडमी मलोट। हाँ जी, तुसी लास्ट वीडियो विच मास नंबर, अटोमिक नंबर, न्यूट्रॉन डिस्कवरी जां रदरफोर्ड मॉडल किया सी। अज आपां नवां टॉपिक लेके आए हैं, सैकेंड चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास प्लस वन का कमिस्ट्री का टॉपिक है। हाँ जी, आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं, जिस विच फर्स्ट टॉपिक है अपने कोल, हाँ जी, जिस विच है अपने कोल डिवेलपमेंट लर्निंग लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। कहिंदा बोहर मॉडल ने की कहा से, कहिंदा दो अपने कोल जो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूल का मतलब होंगे जी टू, ड्यूल का मतलब अपने कोल दो होंगे, टू होंगे। कह रहे हैं जी जो लाइट है, लाइट हैज बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टी। जो अपने को लाइट होगी उसकी जो प्रॉपर्टी होएगी वेव लाइक भी होएगी, तरंग वर्गी होएगी, एक अपने को पार्टिकल लाइक होएगी। मीन्स जो अपने को लाइट है मेड फ्रॉम द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। सेकंड है अपने को अटोमिक स्पेक्ट्रा। अटोमिक स्पेक्ट्रा विच की कहता है, एटम कैन ओनली एक्सप्लेन ओनली द अज्यूमिंग फिक्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लैवल इन एटम्स। कहता एटम के जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसे पासे, जो उन्होंने एनर्जी लैवल है वो फिक्स है। ये अपन नील बोहर ने दसिया सी, ते उसने अपने नाम के उत्ते उस मॉडल का नाम की रखता, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है जी, हुण आपां बोहर मॉडल ऑफ एटम बारे पढ़न जा रहे हैं। हाँ जी, नैक्सट है अपने कोल, हाँ जी, जिदे विच अपने कोल एक टर्म है वेव मोशन। वेव मोशन की होएगा, द डिस्टरबेंस विच originate from the some vibrating source and travel outwards as the continuous sequence of the alternating crust and trough. देखो कहिंदा जी क्रस्ट ते ट्रफ जो अल्टरनेट पोजिशन उत्ते जो एक लहर बन जाएगी, वेव बन जाएगी, उसनों आपां उस मोशन नूं आपां वेव मोशन कहांगे। एक ही पॉइंट तो ओरिजिनेट होणगे, वाइब्रेटिंग सोर्स होएगा। देखो अपने कोल वेव दी अपने कोल डायग्राम है, मैं बना के दसन जा रहा थोनों। ये अपने को एक वेव है, ठीक है, वेव मोशन है। जो अपने को आ वाली चीज है, ऊपर वाली चीज है, इसनों अपा क्रस्ट कहांगे। जो नीचे वाली चीज है इसनों अपा ट्रफ, ट्रफ कहांगे। ठीक है, इहदे विच कुछ टर्म्स है, अपा टर्म्स करांगे जिहदे विच एक क्रस्ट है ते दूसरी क्रस्ट दे जो विचकार अपने को डिस्टेंस होएगा वो अपने को लैमडा होएगा, जा जो अपने को एक इतने ट्रफ होएगा एक इतने ट्रफ होएगा उस दे विच जो अपने को डिस्टेंस होएगा उसनों आपां लैमडा कहांगे। जो इसकी मैक्सिमम हाइट होएगी क्रस्ट दी जा ट्रफ दी मैक्सिमम हाइट उसनों आपां एम्पलीट्यूड कहांगे। क्लियर है जी? हाँ जी, इस बारे आपां थोड़ी जी एक टर्म्स है, टर्म्स आपां क्लियर कर लेने हैं। हाँ जी, इस विच पहले नंबर ते है हाँ जी अपने को करैक्टर स्केच है वेव मोशन दे, जिस विच अपने को वेव लेंथ है दसे सी। वेव लेंथ दो क्रस्ट जां दो ट्रफ अल्टरनेट पोजिशन दे उत्ते जो उन्हां दा डिस्टेंस होएगा उसनों आपां वेव लेंथ कहांगे। हाँ जी, दी डेफिनेशन की है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसमें आप लैम्डा नाल रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है जी, लैम्डा दे नाल आपां रिप्रेजेंट करते हाँ। इस विच है अपने कोल जो इसकी लेंथ है, इहदे विच अपने कोल वन एस्ट्रॉन, इसनों एस्ट्रॉन कहांगे। वन एस्ट्रॉन किस दे इक्वल होंगे, 10^-10 मीटर दे इक्वल होएगा। ठीक है जी, जो इस विच वन नैनोमीटर होएगा, 10^-9 मीटर होएगा,
जो अपने को 1 पिकोमीटर होएगा और 10 रेस पावर माइनस 12 मीटर होएगा। इस मेजर करने अपने को आने जी अपने को यूनिट्स है, मेजर करने का तरीका है, ठीक है जी। नैक्सट करैक्टर स्कैच आप जा रहे हैं, सैकेंड अपने को फ्रीकुएंसी द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन अ 1 सैकेंड इज नोन एज फ्रीकुएंसी। कहिंदा नंबर ऑफ वेव्स है, बहुत सारिया वेव्स है एक ही पॉइंट दे विच, एक ही सैकेंड दे विच पास होणगियां, उस नूं आपां फ्रीकुएंसी कहांगे। इस नूं आपां न्यू नाल एन यू न्यू दे नाल रिप्रेजेंट करते हाँ, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होएगा हर्ट्स पर सैकेंड होएगा, क्यों? क्योंकि जो भी अपने को फ्रीकुएंसी है वेव्स है वह पर सैकेंड एक पॉइंट के तो पास कर रही है, करके हर्ट्स पर सैकेंड इसकी की आएगी अपने को एसआई यूनिट होगा। नेक्स्ट अपने को करैक्टर स्केच है, नेक्स्ट अपने को वेलोसिटी, उसनों अपन स्मॉल वी दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन 1 सैकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव्स। एसआई यूनिट होगी मीटर पर सैकेंड, क्यों? डिस्टेंस आप मीटर में मेजर करांगे, पर सैकेंड की गल कर रहे हैं, अपने को सैकेंड आ जाएगा टाइम मीटर पर सैकेंड आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है अपने को हाँ जी अपने को एम्पलीट्यूड है, उसनों आप समॉल ए दे नाल रिप्रेजेंट करांगे। इट इज द हाईएस्ट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ द वेव। ये अपने को हाइट होएगी, देखो जी अपने को हाइट है, चाहे क्रस्ट की हाइट है चाहे डेप्थ है ट्रफ की, इसनों आप स्मॉल ए देना रिप्रेजेंट करांगे, जो अपने को होएगा एम्पलीट्यूड होएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने को इस टर्म हाँ जी फिफ्थ अपने को वेव नंबर, जिसनों आप न्यू बार दे नाल रिप्रेजेंट करांगे। इट इज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर सेंटीमीटर एंड इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। देखो जी ये इनवर्स ऑफ वेव लेंथ कह सकते हैं जां पर सेंटीमीटर कह सकते हैं, 1/सेंटीमीटर एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, इसनों आप सेंटीमीटर दे विच रिप्रेजेंट करांगे। हाँ जी मैं दस दिता न्यू बार या न्यू बार दे नाल रिप्रेजेंट करांगे, एंड एक्सप्रेस इन पर सेंटीमीटर। एसआई यूनिट अपना पर मीटर होएगा, जिसका फॉर्मूला है वेव नंबर का 1/वेव नंबर या 1/लैम्बडा, ठीक है जी। हुण आपां एक रिलेशन करते हैं, हाँ जी रिलेशनशिप बिटवीन वेवलैंथ एंड वेव नंबर फ्रीकुएंसी एंड वेलोसिटी। देखो जी वेवलैंथ नूं आपां लैम्बडा नाल रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा जो अपने कोल वेव नंबर है उसनों आपां न्यू बार नाल रिप्रेजेंट करते हाँ, वेलोसिटी है समॉल वी दे नाल रिप्रेजेंट करते हाँ, फ्रीकुएंसी है न्यू दे नाल। हाँ जी जो अपने कोल वेलोसिटी है आपां इत्थे सी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट की गल करांगे, इत्थे वेलोसिटी ऑफ लाइट उसनों आप सी दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वेलोसिटी कितनी होंदी है 3.0 × 10⁻¹⁸ m/s, ठीक है जी। हाँ जी जो अपने को सी है वेलोसिटी है न्यू इंटू लैमडा होएगा, जो अपने को न्यू होंगे देखो न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लैमडा इधर आके अपने को डिवाइड हो गया सी बाय लैमडा बन गया, बट ये अपने को 1/लैमडा की वैल्यू न्यू बार है आप हमने करके आए थे वेव नंबर, ठीक है 1/वेव लेंथ। हाँ जी 1/लैमडा की वैल्यू इतने मैं मल्टीप्लाई 1 पा सकता, 1/लैमडा की वैल्यू मैं न्यू बार लिख दिना तो अपने को कि फ्रीकुएंसी कि बराबर आ गई सी मीनस वेलोसिटी मल्टीप्लाई वेव नंबर, ये अपने को रिलेशनशिप बन गया। इसनों तुसी याद रखना आप नुमेरिकल्स के इसकी जरूरत पै सकती है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन की गल करते हैं, कहिंदा इन 1870 विच एक साइंटिस्ट सीगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपन इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन बारे अपन जानकारी दी सी। वह की कहिंदा सी लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट, जां कोई भी लाइट है जां जिस विचों कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं प्रोपेगेट थ्रू अ स्पेस, स्पेस दे विचों जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो भी लाइट होएगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ही ट्रैवल करेगी स्पेस दे विच। वो कहिंदा उस वेव्स दे विच की होएगा इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड होणगियां,
जिहड़ी वेव्स दे विच इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड होणगियां उसनूं आपां इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस कहांगे, ते उस वेव्स नूं आपां इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स भी कह सकते हाँ। हाँ जी, इस दे कुछ करैक्टर स्कैच है, कुछ गुण है, हाँ जी आपां डिस्कस करन जा रहे हां। हाँ जी, करैक्टर स्कैच है अपने कोल, इट कंसिस्ट ऑफ इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड। कहिंदा जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन है इस विच इलैक्ट्रिक फील्ड भी होएगी, मैगनैटिक फील्ड भी होएगी, जो ये दोनों फील्ड होणगियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होणगियां। देखो जी, जे मैं गल करां, यह अपने कोल मान लो कोई परपेंडिकुलर है, इस विच एक वेव तो जस्ट एस टी जा रही है, जो दूसरी वेव है इसके जो परपेंडिकुलर है, जो अपने कोल ए वाली लाइन है, मीनस आ वाला अपने कोल परपेंडिकुलर है, मीनस वो वेव्स अपने कोल इस तरीके नाल मूव करेगी, दोनों वेव्स एक दूसरे दे परपेंडिकुलर्स होणगियां। ठीक है जी, एक वेव उपर नूं मूव करेगी, जो नीचे वाली वेव्स है वो एस अकॉर्डिंग वेव मूव करेगी। ठीक है, नैक्सट है ऑल मैगनैटिक वेव्स ट्रैवल विद सेम स्पीड, सेम स्पीड नाल ही उन्हां दी वेलोसिटी होएगी, जो इन्हां दी वेलोसिटी होएगी वो सी दी स्पीड नाल, मीनस वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड ना ट्रैवल करनगे, जो अपने को 3.0 इंटू 10^8 मीटर पर सैकेंड की स्पीड होएगी, 3 लाख किलोमीटर पर सैकेंड की स्पीड होएगी, उस नाल यह मूव करनगे, सॉरी 3 लाख मीटर। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, जो ये वेव्स ट्रैवल करनगियां इसनों किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, इट मीनस ये वैक्यूम के विच्चों भी पास हो सकदियां, जो अपने कोल सूरज तो रेज आउंदियां, इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन आउंदियां, स्पेस दे विच कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, उस विच्चों भी ये ट्रैवल कर सकदियां हन विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, हाँ जी, जे वीडियो पसंद है तो इसनों लाइक करना, शेयर करना, वध तो वध कमेंट करके जरूर दसना। नैक्सट टॉपिक करन जा रहे हैं आपां, हाँ जी, इस विच एक टॉपिक है अपने को इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम। देखो इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम की कहता है, द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन इन ऑर्डर टू इनक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। कहता कोई भी मैगनैटिक वेव्स है, रेडिएशन है, उसनों आप इनक्रीजिंग वेवलेंथ के लिख दो या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के बेस से लिख दो, जो वो अरेंजमेंट बनेगी इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन की वेव्स की, वो अपने को स्पैक्ट्रम बन जाएगा, उसनों आप इलैक्ट्रोमैगनैटिक स्पैक्ट्रम कहांगे। हाँ जी, डायग्राम बनाई है, जो अपने को फस्ट लाइन है अपन वेवलेंथ रीप्रजेंट कर रहा है, जो अपने को सैकेंड है अपने को फ्रीकुएंसी रीप्रजेंट कर रहा है। देखो वेवलेंथ इनक्रीजिंग ऑर्डर के विच है, पहले फस्ट 10^18, 10^-4, 10^10, अप टू 10^2, इनक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ये अपने कोल इनक्रीजिज है, जो फ्रीकुएंसी है अपने कोल डिक्रीजिज ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, देखो जो अपने कोल इत्थे अपने को कॉस्मिक रेज होणगियां, फिर गामा रेज, अल्फा रेज, इत्थे अपने कोल अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाणगियां, इत्थे अपने कोल अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो अपने कोल ए वाला रीजन है इहदे विच अपने कोल विजिबल, ए वाला अपने कोल विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट पता ही है थोनू विब ग्योर। ठीक है जी, मैं इतने रीप्रजेंट कर दिना हाँ, मैं इतने लिख दिना विजिबल लाइट विब ग्योर। ठीक है जी, इतने अपने को जो लाइट आएगी ये अपने को विब ग्योर होएगी, विब ग्योर मीन्स अपने को वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज ते रेड। ठीक है जी, देखो जी जो कहता वेवलेंथ अपने को रेड की सब नालों ज्यादा होएगी तो फ्रीकुएंसी सब नालों घट होएगी, जो अपने को वॉयलेट है इसकी जो वेवलेंथ है बहुत घट होएगी, फ्रीकुएंसी अपने को ज्यादा होएगी। ठीक है जी, हाँ जी, ये टॉपिक अपना इतने ओवर होंगे, कल नवा टॉपिक लेके आवेंगे। ठीक है जी, सैकेंड चैप्टर ही अपना कंटिन्यूज होएगा, अज अपना डे 4 सी, 3 लैक्चर मैं अपलोड कर चुके हाँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक थोनू मिल जाएगा। हाँ जी, जो लाइक की है वीडियो इसनों लाइक कर देना, सबसक्राइब कर देना, जो नवे चैनल देख रहे हैं कैंडीडेट इसनों प्लीज़ सबसक्राइब करके प्रेस बैल आइकोन कर देना, ता जो कोई भी वीडियो अपलोड करा
उस तक थोड़ी नोटिफिकेशन थोनू मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।